सो वेलकम दोस्तों, आज हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो बिना आप गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूं। तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं एएमडी राइजन 3200Z विद वेगा 8 ग्राफिक्स और मदरबोर्ड ने हमने चूज़ किया है गीगाबाइट GA320 MS2H मदरबोर्ड और रैम में हमने चूज़ किया हुआ है कॉर्सायर की तरफ से आने वाले 3000 MHz के रैम और हम SSD यूज़ करने वाले हैं WD 120GB इंटरनल SSD विद साटा पोर्ट यूज़ करने वाले। इसमें कैबिनेट जो है वो चिपट्रॉनिक्स की तरफ से है और कॉर्सायर की तरफ से हमने यूज़ किया इसका पावर सप्लाई कॉर्सायर VS450 पावर सप्लाई। तो बिना गवाए मैं इसके सारे स्पेसिफिकेशन आपके मैं बता देता हूँ। तो हमने जो किया हुआ है ये प्रोसेसर इसमें 4 कोर्स 4 CPU कोर्स 4 थ्रेड्स एंड 8 GPU कोर्स। इसकी बेस क्लॉक है 3.6 GHz, मैक्स बूस्ट क्लॉक है 4 GHz, L1 कैश 384 KB, L2 कैश 2 MB और L3 कैश 4 MB। यस, ये एक अनलॉक्ड प्रोसेसर है, इसे आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 450 मदरबोर्ड चाहिए होगा। तो हमको अभी ओवरक्लॉक करना नहीं है, इससे आपका काम चल जाएगा। इससे आप जो है 1080p पे जो है कम से कम 50-60 FPS आप इजीली ट्रिपल टाइटल्स पर आप अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप अगर बाद में ओवरक्लॉक करने का आपका मन हो तो आप इसको जो है आप जो अपने मदरबोर्ड को आप अपग्रेड कर दिए उसके बाद जो आप सिंपली अपने रैम को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं और अपने CPU को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो रैम में हमने लिया हुआ है कॉर्सायर की तरफ से आने वाला LPX 8GB DDR4 3000 MHz रैम। ये जो है ये एक मिड रेंज रैम है। इसकी जो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये 3000 MHz ये जो है सपोर्ट करेगी मिग को बैंडविड्थ को जो मदद करेगी AMD Ryzen 3200G को मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए। और आपको तो पता है AMD Ryzen 3200G को जो है ज़्यादा बैंडविड्थ की रैम चाहिए होती है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रैम। अगर आपका रैम जितना स्पीड होगा उतना उसी की कैपेबिलिटी के हिसाब से अल्टरनेटली आपको जो परफॉर्मेंस भी मिलेगा। तो आप देख लेते हैं, जो रैम जो है एक बड़ा फैक्टर है, ये एक प्लस पॉइंट है। ये 3200G के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मदरबोर्ड के लिए जो हमने लिया था गीगाबाइट की तरफ से आने वाला GA320 S2H मदरबोर्ड, इसमें आपको मिलता है M.2 स्लॉट्स। ये बिगेस्ट हाईलाइट है इसका, इसमें आपको M.2 स्लॉट्स मिलता है। इसमें जो आपको स्मार्ट फैन टेक्नोलॉजी मिलता है, इसमें आपको जो मिलता है CPU कनेक्टर वो है AM4 सॉकेट, वो बहुत ही अच्छा है। इसमें आप जो है डुअल चैनल रैम इसमें यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें आपको मिलता है 4 SATA पोर्ट्स और इसमें आपको मिलता है NVMe PCI Gen 3 M.2 स्लॉट्स और आप इसमें अपने ग्राफिक्स कार्ड को भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है जो आपको जो CPU यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको मिलता है इंटीग्रेटेड वेगा 8 ग्राफिक्स, के लिए आपको कोई GPU की ज़रूरत नहीं है। तो विनायक गवाई, मैं आपको वीडियो की हाईलाइट्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो हम PC बिल्ड करने वाले हैं इसमें हम यूज़ करेंगे AMD Ryzen 3200G, उसके बाद यूज़ करेंगे हम लोग रैम कॉर्सायर की तरफ से आने वाला 3000 MHz का रैम और हम यूज़ करेंगे फिर से पावर सप्लाई यूज़ करेंगे कॉर्सायर VS450। ये जो है मोर देन इनफ है 4 आवर प्रोसेसर, लेकिन हम इसको एक फ्यूचर प्रूफ हम अपग्रेड बना रहे हैं, इसीलिए ये हमारे लिए मोर देन इनफ है। और हमने लिया है हार्ड डिस्क के लिए नहीं लिया है, तो हम ले रहे हैं इसमें SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव ले रहे हैं। WD की 120GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव वो इसके लिए मोर देन इनफ है। तो और जो है आप ये जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट सबका जो है स्टाइल डिफरेंट है, सबका अंदाज अलग अलग है। तो ये उनके टेस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है वो कैसे कैबिनेट चाहते हैं, वो RGB चाहते हैं या non-RGB चाहते हैं या वो कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, ये उनको उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर CPU की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात की जाए तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा CPU है, ये आपको अच्छी लेवल की गेमिंग करा सकता है, मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूँ। मुझे पता है ये एक फ्यूचर प्रूफ है, ये तो है 3rd generation का CPU जो है AMD Ryzen लॉन्च किया हुआ है। पर इसमें जो है एक ड्रॉबैक है कि इसको आप जो है जिस मदरबोर्ड में हम इसको इंस्टॉल कर रहे हो उसमें आप इसको ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। अगर आपको ओवरक्लॉक करना है तो आपको थोड़े हाई एंड मदरबोर्ड के साथ जाना पड़ेगा, शायद आपको B450 मदरबोर्ड के साथ जाना पड़ सकता है या फिर B350 मदरबोर्ड के साथ, ये आपके ओर डिपेंड करता है। हमें तो यहाँ पर फिलहाल ओवरक्लॉक नहीं करना है, हमें तो मीडियम सेटिंग पर अच्छी खासी गेमिंग करनी है। तो हम अपने बजट पर फिक्स हैं, इसलिए हम ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते। तो अगर आप और इसमें प्लस पॉइंट और एक, अगर आप इसमें स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं, हमने जो लिया है WD 120GB SSD, ये आपके सिस्टम को 10-11 सेकंड में आपको बूट अप करा देगी और इसमें ये सिस्टम जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिव होगा। अगर आप ये सारे कंपोनेंट्स को अगर ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको ये कम से कम 19-20 हज़ार का चला जाएगा, 29 टू
29 नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें अगर अपग्रेड करना चाहेंगे इसकी जो जो आप इसको अगर मदरबोर्ड का अपग्रेड करना चाहें, अगर इसमें आप जो है WD की हार्ड डिस्क लगाना चाहें, तो इसमें आपको शायद ये चला जाएगा 25 to 26,000, लेकिन तब ये बेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें जो है अगर आप इसी बजट पे रहें कि एकदम बेस्ट गेमिंग करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। आप यही सारे कंपोनेंट्स का यूज़ कीजिए, आपका एक नंबर कंप्यूटर बन जाएगा। लेकिन इसमें हमने जो है इसमें कोई भी मॉनिटर इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई मॉनिटर इंक्लूड नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर हम मॉनिटर पर इंक्लूड करेंगे तो हम ओवर बजट हो जाएंगे। ये मॉनिटर अगर कोई कर सकता है 90 हर्ट्ज़ का, 90 हर्ट्ज़ पैनल वाला ये कोई मॉनिटर चाहे तो वो अफोर्ड कर सकता है, या फिर कोई आप 60 हर्ट्ज़ का मॉनिटर कर सकता है, तो आप कोई भी मॉनिटर के साथ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मिनिमम 75 हर्ट्ज़ के मॉनिटर के साथ जाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा, आपका फ्लिकर नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर आपको इस बिल्ड में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया हुआ है तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है ऐसे टेक वीडियोस में, तो आप एक बार मेरा चैनल देखिए। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।